estipado. Estipado, estipado. E é Magnival estipado. Estipado, estipado. Oh, estipado, estipado. Oh, amor, hi, hi. Hi, hi, hi. दूसरा बात यह है, यदि तक आधार पे हम महापौर से इस्तीफा मांगने आए वो नहीं है, आप निगम के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको ये मांग पत्र सौंपता हूँ, लेटर फिर बात करूंगा आप इसको। दुर्ग शहर में विगत 4 वर्षों से जब से यह परिषद बैठी है तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है और उसी की परिस्थिति है कि 48,000 वोटों ने दुर्ग शहर के नागरिकों ने कांग्रेसी विधायक को नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों के वार्डों में हार हुई है, स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है भारी बुरी तरीके से। 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के वार्ड के लोगों ने। ऐसी स्थिति में कवर्धा के अध्यक्ष से प्रेरणा लेते हुए जिनके पास 19 पार्षद हैं कुल 26 पार्षदों की पालिका में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपनी नैतिकता का ध्यान रखा है। भाजपा पार्षद दल शुरू से यह मांग करती रही है कि दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाएं लचर है, दुर्ग शहर में केवल और केवल अपने पिता का नाम लिखाना और अपने पुत्रों को पदों को बांटना, भ्रष्टाचार को जन्म देना, पार्किंग घोटाला, बदिया कुर्ता बदियाकरण घोटाला, टेंडर घोटाला जैसे घोटालों पे भाजपा पार्षद दल लगातार आवाज बुलंद रही, जिसकी परिणति रही कि दुर्ग शहर की जनता ने 48,000 वोटों से हमें वापस सौंपा है और आगे हमारा काम भी। किंतु परिषद में महापौर है, आज भी यहाँ कुत्ता बधियाकरण बंद है। प्रधानमंत्री आवास में 1-1 लाख रुपए पिछले वर्ष जिनसे लिए गए हैं वो गरीब आज किराए में रहने को मजबूर हैं। ये महापौर परिषद उस रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 आए और है जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 महापौर हाय 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 हाय। दूसरा बात यह है, नैतिकता के आधार पे हम महापौर से इस्तीफा मांगने आए चूंकि वो नहीं है, आप निगम के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको ये मांग पत्र सौंपता हूँ, लेटर फिर बात करूंगा आप इसको। हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदगण, यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल से हम इस्तीफा मांगने आए हैं। धीरज बाकलीवाल की सरकार और उसकी एमआईसी दुर्ग शहर में जब से यहाँ पे 4 साल से बैठा है, दुर्ग शहर की जनता को सिर पर ठगने का काम किया है। यहाँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो, पूरे दुर्ग शहर की जनता यहाँ बहुत परेशान है कांग्रेस के सरकार इसके कार्यकाल से। और अभी वर्तमान में विधानसभा का जो चुनाव हुआ जिसमें महापौर विधायक और इसके जितने एमआईसी के सदस्य हैं इनके 5 साल के कार्यकाल को बुराई को देखते हुए यहाँ की जनता उनको ललकार करके सीधा भारतीय जनता पार्टी को इसके वार्ड से जिताया है। ऐसे में हम सभी पार्षद दल और पूरे पार्षद महापौर जी से हम इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। महापौर जी, जनता की 16.5 करोड़ रुपया पैसा ठगड़ा बांध में लगाया है, उस बांध में लोग एंट्री करते हैं उसके लिए 10 रुपया शुल्क लगता है, जबकि इसी जनता का पैसा वहां पे लगा है, वो शुल्क का माफ करना चाहिए। मैंने चुनाव से पहले भी आप लोगों के माध्यम से मांग किया था कि यहाँ पे जो 10 रुपया शुल्क लगता है वो शुल्क नहीं लेना चाहिए, ये जनता का पैसा है, जनता के हित में है, बोर्ड चला रहे उसका पैसा ले, लेकिन शुल्क का पैसा नहीं लेना चाहिए। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना है, वार्ड नंबर 35 में कई मकानों को कब्जा कर लिए हैं, जहां पे अभी तक कब्जा को नहीं हटा पाया। दुर्ग शहर की आसपास के जनता से 1-1 लाख रुपया उसने ले लिया और उसको अलॉटमेंट करेंगे करके बोले, अभी तक वह गरीब जनता भटक रहे, किराए के मकान में रह रहे हैं, इस जनता को अभी तक आवास नहीं मिला है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज महापौर जी से इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। दुर्ग शहर में विगत 4 वर्षों से जब से यह परिषद बैठी है तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है और उसी की परिस्थिति है कि 48,000 वोटों ने दुर्ग शहर के नागरिकों ने कांग्रेसी विधायक को
नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों के वार्डों में हार हुई है। स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है भारी बुरी तरीके से। 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के वार्ड के लोगों ने। ऐसी स्थिति में कवर्धा के अध्यक्ष से प्रेरणा लेते हुए, जिनके पास 19 पार्षद हैं कुल 26 पार्षदों की पालिका में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नैतिकता का ध्यान रखा है। भाजपा पार्षद दल शुरू से यह मांग करती रही है कि दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाएं लचर है, दुर्ग शहर में केवल और केवल अपने पिता का नाम लिखाना और अपने पुत्रों को पदों को बांटना, भ्रष्टाचार को जन्म देना, पार्किंग घोटाला, बढ़िया कुर्ता बढ़ियाकरण घोटाला, टेंडर घोटाला जैसे घोटालों पे भाजपा पार्षद दल लगातार आवाज बुलंद रही, जिसकी परिणति रही कि दुर्ग शहर की जनता ने 48,000 वोटों से हमें वापस सौंपा है और आगे हमारा काम भी। किंतु परिषद में महापौर है, आज भी यहाँ कुत्ता बढ़ियाकरण बंद है। प्रधानमंत्री आवास में 1-1 लाख रुपए पिछले वर्ष जिनसे लिए गए हैं, वो गरीब आज किराए में रहने को मजबूर हैं। ये महापौर परिषद उस रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुकी है। हम सबकी मांग है कि महापौर, आपको नैतिकता के नाते इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी मैं छत्तीसगढ़िया आदमी, ओकरे बात ज्यादा करता हूँ, दुर्ग के जनता होकर दूध भात कर दे रही से, और तेकरे परिणाम है कि विधायक ले इतना बुरी तरीके से हार के सामना करना पड़े। महापौर जी, आपको दुर्ग शहर पहचानता नहीं, आप लोगों के बीच में जाते ही नहीं, और आप भ्रष्टाचार पे लगातार भ्रष्टाचार करवाते रहते हैं। इसलिए भाजपा पार्षद दल आपको मांग करती है कि नैतिकता के आधार पे आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। ऑपरेशन लोटस की ओर जा रही है बीजेपी। देखिए, हम जनमत का बेहद सम्मान करते हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। हम तो नैतिकता के नाते, दुर्ग शहर के नागरिक केवल ठगड़ा बांध में रुपया डाल दिया, केवल प्रमुख चौराहे में, केवल गौरव पद जैसे एकमात्र अच्छी सड़क को तोड़ के विधायक ने जो रुपया लगा दिया था, उस नाते यहाँ की पीड़ा के नाते हम महापौर से इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर महापौर इस्तीफा नहीं देते तो क्या अगला स्टेप होगा बीजेपी का? हमें अभी नगर निगम में, हम विपक्ष की भूमिका में है, सत्ता हमारी राज्य में हमारी सरकार है। हम नगरीय निकाय मंत्री के पास जाएंगे, हमारे विधायक से गुहार करेंगे और दुर्ग शहर में हम विकास करने का काम करेंगे। अभी कितने दिनों के लिए आपने कहा है कि इस्तीफा देंगे? देखिए, ये इस्तीफा अल्टीमेटम का नहीं है। ये इस्तीफा, कुछ चीजें होती है ना नैतिक आधार पे, नैतिकता के आधार पे, जिस महापौर के वार्ड में विधायक हार गए हो, सारे मंत्रियों के वार्डों में हार गए हो, ऐसी स्थिति में इन मंत्रियों को और महापौर जी को कहां रहने का अधिकार होता है? अगर थोड़ी भी शुचिता और राजनीतिक नैतिकता बची हो तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए।